ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। ना ही उनकी पूजा करूंगा। शिवपुरी के बहगवा गांव में धर्म परिवर्तन युवक बोला, जहां हमें इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा हम उसी मार्ग पर चलेंगे। सरपंच बोला, सारे आरोप झूठे, षड्यंत्र रचा गया है। शिवपुरी के बहगवा गांव में 45 जाटव परिवारों के द्वारा अचानक छुआछूत का आरोप लगाकर धर्म परिवर्तन करने का मामला तुल पकड़ लिया है। शनिवार को CWC के अध्यक्ष सुषमा पांडे और नरवर तहसीलदार अमित दुबे ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले युवक ने बताया कि जहां हमें इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा हम उसी मार्ग पर खुशी खुशी चलने को तैयार हैं। वहीं गांव के सरपंच ने छुआछूत के आरोपों को सरासर झूठ बताते हुए इस पूरे मामले को एक षड्यंत्र बताया है। दरअसल बीती 31 जनवरी को 45 जाटव परिवारों ने गांव के लोगों पर छुआछूत का आरोप लगाया है। आरोप लगाकर बौद्ध धर्म अपना लिया है। लोगों ने गांव में ही हो रही भागवत कथा में 6 दिन का सहयोग किया, 7वें दिन धर्म परिवर्तन कर लिया। देखिए क्या कहा इन दोनों ने पक्षों ने। शिवपुरी से नासिर खान की रिपोर्ट। गजेंद्र रावत जी, ये क्या घटनाक्रम रहा उस दिन? घटनाक्रम कुछ नहीं है साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये कैसे कर लिया, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया है, और उन्हीं का षड्यंत्र है। कुछ लोग उसमें शामिल भी है उन्हीं के समाज के, और गांव वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हम तो अपने भंडारे में व्यस्त थे। सभी गांव के सभी समाज के वर्ग के लोग सभी अपने पास और सभी कार्य को देखने में व्यस्त थे। इनका रोड पे टेंट लगा था, किसी को कोई जानकारी नहीं इनके टेंट के अंदर क्या हुआ है। अच्छा, आपको कब जानकारी? हमें तो कल जानकारी हुई 2 तारीख में। अच्छा, मैं आपका मेरा नाम रामेश सिंह यादव। यादव जी, ये क्या विवाद हुआ था उस दिन कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? अब विवाद तो वैसे लड़ाई का विवाद कुछ नहीं था, सिर्फ छुआछूत का चक्कर विवाद हो गया है। हमारे भागवत साथ 6 दिन हमने सुन ली, बढ़िया सारे काम किए, और उसके बाद में समिति बनी माने परसने की, तो परसने में उनने हमको पत्तल परसने का वो दिया था, तो पत्तल परसने के बाद में दूसरे दिन सब लोगों ने मिलने विचार बना के हमको ये कहा, तुम्हारी पत्तल पे कोई खाना नहीं खाएगा, तुम्हारी पत्तल से तो छुआछूत लगेगी। वो हिसाब से फिर हमसे विवाद हो गया कि भैया हमारी पत्तल से छुआछूत लग रही है, तो फिर तुमने हमारे बरार पहले कहा खोलाओ, तो इस चक्कर में आके उनने हमारा बरार फिर दिया। नहीं बोली जाओ, बोले तुम चमान की हमें पत्तल छुड़ी उठाए देंगे, कुछ उन्हें पर्स करने देंगे। तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ पत्तल उठाने उठाने का है, पर्स नहीं करनी। इस चक्कर में विवाद हुआ है, तो हमने फिर भी हम वहाँ से मिलकर हम जा रहे बरात तुम ले रहे हो, हमने धर्म में दे दिया, तो उन्होंने नहीं वो कोई बरार नहीं, तुम तो अपना बरार ले हटो यहाँ से भैया। इसलिए तो कितने परिवार हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म? हमारे 45 40 45 परिवार हैं।